उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर शहर के 297वें स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि जयपुर की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षण प्रदान करने के साथ यहां के आधुनिक विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जयपुर के परकोटी में 100 करोड़ के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम ग्रेटर जयपुर की ओर से स्टैच्यू सर्किल पर आयोजित दीपदान एवं रोशनी कार्यक्रम जयपुर वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जयपुर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और नियोजित शहरों में से एक है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ये एक ऐसा शहर है जिसकी स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा 18 नवंबर 1727 में पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से तथा वास्तु शास्त्र के आधार पर की गई। शानदार और अद्भुत शहर का वास्तु नियोजन विद्याधर भट्टाचार्य ने किया। सवाई जयसिंह द्वितीय खगोल शास्त्र ने निपुण थे। जयपुर में जंतर मंतर की स्थापना की जाना उसका बेहतरीन उदाहरण है। जयपुर की स्थापना के 300 साल पूरे होने वाले यहां की चौड़ी सड़कें जिन पर आज भी सुगमता से परिवहन होता है, यहां के ड्रेनेज सिस्टम जो आज भी प्रभावी तरीके से काम करें, जयपुर का हवा महल, सिटी पैलेस, बाजार, चौराहे, मंदिर सभी शानदार और आधुनिक नगर है। सब जयपुर के नगर नियोजन की देख अचंभित हो जाते हैं, अचरज में पड़ जाते हैं। जयपुर विश्व धरोहर है, ये गर्व की बात है। जयपुर विश्व पर्यटन मानचित्र में विशेष स्थान रखता है, ये गर्व की बात है। दिया कुमारी ने आयोजन की विधिवत शुरुआत नगर निगम ग्रेटर जयपुर की महापौर सौम्या गुर्जर साथ ही दीप प्रज्वलित करके की। इस अवसर पर लोक कलाकारों द्वारा ढोल नगाड़े, शहनाई, वादन, कच्छी, घोड़ी नृत्य सहित गायन और लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी। जैसा कि आपने सभी का बात है, सबकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है और नागरिकों की है। आपके माध्यम से अपनी जिम्मेदारी में कहीं भी आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो अपने आप जानकार नागरिक को जो करेगा और हम सब हम आप देवमाली गए थे उस गांव को क्या देवमाली बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया है केंद्र सरकार का। हमारे राजस्थान के गाँव को